हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 4, द्विघात समीकरण। दोस्तों, द्विघात समीकरण आप जानते ही होंगे। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो, वो हमारा क्या होता है दोस्तों? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4 का ए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 4 के ए में सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस पे आपका पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली 4 के ए का पहला, इसमें बोला है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम पहला इसमें देख लेते हैं। आपको इसमें बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको यही बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कितना दिया है, x प्लस 1 के पूरे घाते 2, ठीक है, बराबर में दिया दोस्तों 2 कोष्ठक में x माइनस 3। अब इसको आपको बताना दोस्तों, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है? यदि द्विघात समीकरण है तब उसको लिख दीजिएगा हाँ, द्विघात समीकरण नहीं है तो लिख देना है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए कैसे हम ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये x प्लस 1 के घाते कितना दिया, पूरा होल घाते कितना दिया दोस्तों? 2 दिया, ठीक है? यानी a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको हम तोड़ देंगे। आपका एक फार्मूला होता है दोस्तों, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला में आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। जब भी कहीं भी ऐसा दिखे दोस्तों, पूरे का होल स्क्वायर दिखे, तो आपको इस फार्मूले में उसको तोड़ देना होगा। सबसे पहले कहीं ब्रैकेट दिखेगा उसको तोड़ने वाला काम करना है, ठीक है? तो देखा है दोस्तों, x प्लस 1 के कितना घात है दोस्तों? 2। तो हम x के घात प्लस 1 के घात पूरा होल घात 2 है, तो यहाँ देखिए पूरे होल घात था, तो यहाँ 3 पदों में टूटा है। तो यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, ये भी कितने पद में टूटेगा, 3 पद में टूटेगा, ठीक है? तो कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए, x प्लस 1 के पूरे घाते कितना है, 2। जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या टूटेगा, ए स्क्वायर, यानी x का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? प्लस क्या होगा, 2ab, तो 2a, a का मान क्या होगा दोस्तों, x, ठीक है, इंटू बी, बी का मान क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, बी का मान निकलेगा 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे बी का मान 1 रख देंगे, ठीक है? बी का मान कितना हो गया, 1। अब बराबर में ध्यान दीजिए दोस्तों, 2ab हो गया, प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 का क्या कर देंगे यहाँ पे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, 1 के घाते 2, ठीक है? यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ये बन गया, ठीक है दोस्तों? अब बराबर में ब्रैकेट दिया, इधर भी ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो 2 का अंदर हम गुणा करेंगे, 2 का जब अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x, और 2 का 3 में करेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। इतना समझ में, चले इधर को हल कर लेते हैं। तो x घाते 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है? अब इसका 2 1 का 2 x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस 1 का ही घात 2 करेंगे दोस्तों, 1 ही आएगा, बराबर इधर 2x है, तो 2x को ऐसे रहने दीजिए दोस्तों, और माइनस 6 है, तो माइनस 6 को इस तरह पंचांतर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, हम आपको बता दें, द्विघात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सभी को एक तरह पंचांतर कर देंगे। इधर 2x है, ठीक है दोस्तों? इधर भी क्या है, 2x है, तो 2x इधर भी है, इधर भी है, 2x से 2x क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाए, क्योंकि 2x इधर भी प्लस में, दाएं तरफ भी, और बाएं तरफ भी प्लस में 2x है, तो दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों मिल रहा है, तो कट जाएगा, ठीक? अब क्या करेंगे, x घाते 2 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस 1 लिख लेंगे, और माइनस 6 जब इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक? और बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसको जोड़ लीजिए, एक्स घाते 2 ऐसे ही रहेगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है? और बराबर में 0 है, तो बराबर में आप क्या लिख देंगे, 0। यहाँ ये इसका हल हो गया, लेकिन आपको ये बताना था द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 2। x पे सबसे बड़ा घात अगर 2 दिख जाए, तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण है,
और दो सब अगर सबसे बड़ा घात दो नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अतः इसमें हम क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, आपको यही बताना है इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका एक्स घाते 2 माइनस 2x, ठीक है, और बराबर में क्या दिया दोस्तों, माइनस 2 ब्रैकेट में और ब्रैकेट दिया दोस्तों 3 माइनस एक्स दिया है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना, ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला काम, ऐसे कब जब भी कभी क्वेश्चन दिखे दोस्तों, ऐसा जब भी आपका कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहला काम आपका होगा कि ब्रैकेट को तोड़ देना है, ठीक है। ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ एक्स घाते 2 है तो एक्स घाते 2 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस 2 है तो माइनस 2x को भी ऐसे रहने दीजिए, बराबर माइनस 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2x। इतना समझ आया दोस्तों। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सभी को पंचांतर कर लेना है। अब ध्यान दीजिए, एक्स घाते 2 इधर है ऐसे रहा तो एक्स घाते 2 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब माइनस 2x है तो माइनस 2x को भी इधर ऐसे रहने दीजिए, समझा दोस्तों। अब ये प्लस 2x है, इधर जब आएगा बाएं तरफ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और बराबर में माइनस 6, माइनस 6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि माइनस 6 इधर चला है, 2x भी इधर चला है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स घाते 2 ऐसे रहेगा, ठीक है, ये माइनस 2x माइनस 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x, और प्लस 6 है तो प्लस 6 को ऐसे रहने दीजिए, बराबर में कितना बचेगा दोस्तों, 0। अब इसका कोई हल नहीं दिख रहा है, तो ठीक है दोस्तों, इसका ये हल हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है दोस्तों, 2, x के ऊपर सब यही ध्यान देना है कि जो चर x है इसके ऊपर सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, तो जो सबसे बड़ा घात दिख रहा है कितना दिख रहा है दोस्तों, 2। तो अतः हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। सब x के ऊपर अगर सबसे बड़ा घात 2 दिखेगा, यानी चर संख्या के ऊपर सबसे बड़ा घात 2 दिखेगा, तो समझ लीजिए वह द्विघात समीकरण है, और दो घात सबसे बड़ा 2 घात नहीं दिखेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ब्रैकेट में x माइनस दो, फिर अगले ब्रैकेट में दोस्तों x प्लस 1 बराबर, फिर क्या दिया दोस्तों x माइनस 1, फिर अगले क्वेश्चन दिया दोस्तों x प्लस 3, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको आपको हल करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है, यही हमें जांच करनी है। तो चलिए हम इसको जांच कर लेते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हल करिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जब ब्रैकेट दिख जाए तो आपको ब्रैकेट को तोड़ देना है। हम x का जब x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x घाते 2, अब x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 को लेकर इन दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस 2 का जब x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x, माइनस प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर हो गया, इधर भी ब्रैकेट तोड़ दीजिए दोस्तों, तो x का जब x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x घाते 2, ठीक है। x का जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस है तो 3x लिख दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, माइनस एक का जब x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 3 3, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों तरफ क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, ठीक है, x घाते 2 दिख रहा है। इधर भी देखिए बराबर किस तरफ भी x घाते 2 है, बराबर किस तरफ भी x घाते 2 है, तो x घाते 2 से x घाते 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक।
अब जो बचा उसको आप लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स है, यहाँ माइनस दो एक्स है, तो यहाँ घट जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, दो एक्स में से एक्स घट जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस दो है तो माइनस दो को भी आप ऐसे लिख दीजिए। अब बराबर में ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर क्या बचा, इधर बचा है तीन एक्स में से, यहाँ भी माइनस घट जाएगा कि एक्स, तो बचेगा कितना दोस्तों, दो एक्स, ठीक है। तीन में से एक एक्स निकल जाएगा, बचेगा दो, और इधर माइनस कितना बचा दोस्तों, तीन। अब एक्स को इस तरह पंचांतर कर लीजिए, तो दो एक्स इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में एक एक्स पहले से है, तो दो और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन एक्स। समझा दोस्तों, देखिए माइनस एक एक्स यहाँ पहले से है और दो इधर है, तो दो इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन एक्स, और ये दो इधर है माइनस दो, और ये इधर तीन आएगा, तो ये माइनस तीन है इधर, इधर से जब ये इधर बाएं तरफ आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और तीन में से दो घटे कितना बचेगा दोस्तों, प्लस एक। बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, जीरो। समझा दोस्तों, यहाँ जीरो हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हल हो जाएगा इसका। लेकिन आपको बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है चर पे दोस्तों, यहाँ इसके ऊपर एक घात दिख रहा है, एक्स ऊपर कितना घात दिख रहा है, एक, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। एक्स के ऊपर सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए दोस्तों, दो होना चाहिए, तब यह जाके द्विघात समीकरण होगा। अर्थात यह क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में बोला है x माइनस तीन, एक कोष्ठक में दिया है x माइनस तीन, फिर अगले कोष्ठक में दिया है दोस्तों दो एक्स प्लस एक, और फिर दोस्तों बराबर में दिया है, ध्यान दीजिए बराबर में जो दिया उसको लिख लीजिए दोस्तों, बराबर में दिया है x, फिर अगले कोष्ठक में दिया दोस्तों x प्लस पाँच, ठीक है। आपको क्या करना है, हम दोस्तों हम शुरू से ही बता चले जा रहे हैं कि जब भी कोष्ठक दिख जाए तो सबसे पहले इस तरीके में, इस तरीके के क्वेश्चनों में हम कोष्ठक को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो कोष्ठक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम पद लेंगे x, x को लेकर इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर माइनस तीन को लेंगे इन दोनों में गुणा करेंगे, कोष्ठक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो x का जब दो x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, दो x घाते दो, ठीक है। अब फिर x का जब एक में करेंगे तो x का कितना आ जाएगा x, ठीक है। अब माइनस तीन का जब इसमें दो x में करेंगे तीन दूनी कितना हो जाएगा, छः, माइनस छः हो गया, और बगल में x है तो x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा तीन एक का तीन, इधर तीन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इधर भी कोष्ठक को तोड़ दीजिए, x का जब x में होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x घाते दो हो जाएगा, ठीक है। अब x का पाँच में भी करेंगे तो x का जब पाँच में होगा तो पाँच एक का पाँच एक्स हो जाएगा, ठीक है। पाँच एक्स का गुणा होगा x में होगा तो पाँच एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको घटा लीजिए पहले, दो एक्स घाते दो है और यक्स घाते दो इधर है, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दो यक्स घाते दो तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, यक्स घाते दो हो जाएगा, इसको एक साथ लिख लीजिए। अब छः यक्स में से एक यक्स घट जाए क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो छः यक्स में से यक्स घटे कितना हो जाएगा, माइनस पाँच यक्स, इधर भी देखिए माइन प्लस पाँच दिख रहा है, तो इधर प्लस पाँच यक्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पाँच यक्स, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है दोस्तों, माइनस तीन, तो माइनस तीन को ऐसे रहने देना है, बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। इतना समझ आया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, दो एक्स घाते दो में से माइनस एक्स घाते दो को घटा देना है, तो बचेगा कितना, एक्स घाते दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस से पाँच एक्स, माइनस पाँच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस दस एक्स। समझ आया दोस्तों। और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस तीन, तो माइनस तीन को आपको ऐसे लिख देना है, बराबर में क्या बचा दोस्तों, जीरो, तो बराबर में जीरो। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हल हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा घात दो दिख रहा है, तो अतः यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण
ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है x^2 + 3x + 1 = कितना दिया है दोस्तों, x - 2 का पूरे घाते 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, x^2 + 3x + 1 = फिर x - 2 पूरे के घाते कितना दिया दोस्तों, 2 दिया है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, हल करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, कोष्ठक को तोड़ देना है। ठीक है, कोष्ठक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इधर जैसे ही है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, x^2 + 3x + 1 है तो इधर को ऐसे रहने दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो a - b² का फार्मूला बनेगा। आपको पता ही होगा दोस्तों, a - b² का फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b². ठीक है, जब यहाँ a और b में था तो a और b में लिखा गया, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, ये किस में है, x और 2 में, यानी पहले क्या होता है a² यानी a का मतलब x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा दोस्तों, -2ab, तो यहाँ लिखेंगे माइनस लगेगा 2a, a का मान क्या दोस्तों, x, तो यहाँ लिख देंगे x * b, b का मान कितना निकला दोस्तों, 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, अब फिर क्या होता है +b² यानी प्लस किस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर, तो प्लस हम क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ में आया दोस्तों। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, x^2 को ऐसे रहने देना, अभी रहने दीजिए, +3x को भी ऐसे रहने दीजिए, +1 को भी ऐसे रहने दीजिए। इधर को सबसे पहले हल करिए, तो x^2 भी ऐसे ही रहेगा, -2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4, तो 4 लिख लीजिए, बगल में x है तो x लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x^2 बाएं तरफ भी है, x^2 दाएं तरफ भी, दोनों प्लस प्लस में समान है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, इधर 3x बचा, इधर -4x, तो इधर 3x को तो ऐसे रहने दीजिए, अब -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4x, x को एक तरफ कर लीजिए, और इधर फिर कितना हो जाए दोस्तों, +1, तो +1 लिख लीजिए, इधर +4 है दोस्तों, तो +4 जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा दोस्तों, -4, और इधर बराबर में कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब 3x और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7x, और 4 में से एक घटक बचे कितना दोस्तों, -3 बराबर में 0। तो ये तो आपका हल हो गया, लेकिन आपको बताना क्या है, इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा घात अगर 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण है, लेकिन सबसे बड़ा घात 2x पे नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो x पे देखा जाए तो सबसे बड़ा घात कितना है, 1 है, तो यथार्थ यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके सामने लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको यही बताना है कि है या नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझा दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दोस्तों, x + 2 के घाते 3 और बराबर में दिया दोस्तों 2x और फिर x^2 - 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। समझा, तो चलिए इसको क्या करते हैं दोस्तों, हल कर लेते हैं। सबसे पहले काम क्या करना होगा, हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट जो जिस रूप में रहता है उस रूप में हम उसको तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बार फार्मूला बता दें दोस्तों, a + b³ बन रहा है, घात में कितना है, 3, तो होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है देखिए दोस्तों, a + b³ का फार्मूला होता है आपका a³ + b³ + 3ab और कोष्ठक में a + b, यही आपका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला। इसी के आधार पर भी इसको आपको तोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर हम इसको तोड़ लेते हैं, यानी a + b के रूप में बनना, यानी a³, जब a + b³ करेंगे तो यहाँ a था तो a³ आया था, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम दोस्तों, x है, लेकिन यहाँ पे x है तो x³ लिखेंगे। ठीक है, प्लस
फिर क्या था, बी था तो बी क्यूब आया था, लेकिन यहाँ दो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो का क्यूब हो जाएगा, समझ आया। प्लस फिर क्या होगा दोस्तों, थ्री है तो थ्री लिख लीजिए, ए ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला एक्स हो जाएगा इंटू, फिर क्या होगा बी, तो बी का मान क्या है दोस्तों, दो हो जाएगा, दो लिख दीजिए। फिर कोष्टक में जो है वही लिख दीजिए, एक्स प्लस दो, यहाँ देखिए ए प्लस बी था तो ए प्लस बी लिखा गया, यहाँ पे एक्स प्लस दो है तो आप इसमें लिख दीजिए एक्स प्लस दो लिख दीजिए, ठीक है। अब बराबर में ध्यान दीजिए दोस्तों, बराबर में क्या है, दो एक्स, हम पहले कोष्टक को तोड़ेंगे तो दो एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो दो तो ऐसे ही रहेगा, जब एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स घाते कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। अब दो एक्स का जब माइनस एक में गुणा होगा तो माइनस कितना आ जाएगा, दो एक्स ही आ जाएगा, इतना समझ में आया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स घाते तीन को ऐसे रहने देना है, दो का जब क्यूब करेंगे दो का क्यूब कितना हो जाएगा, आठ, ठीक है दोस्तों। प्लस तीन दूनी छ, तो छ एक्स लिख दीजिए, बगल में एक्स एक्स लिख दीजिए, और इधर क्या होता है एक्स प्लस दो, तो एक्स प्लस दो लिख दीजिए। इधर ध्यान दीजिए दोस्तों कितना है, दो एक्स घाते तीन है, दो एक्स घाते तीन लिख दीजिए, और फिर माइनस कितना है, दो एक्स, तो माइनस दो एक्स को भी ऐसे लिख दीजिए, इतना समझा। अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कोष्ठक अभी रह गया तो कोष्ठक को तोड़ दीजिए, एक्स घाते तीन भी ऐसे रहेगा प्लस आठ भी ऐसे रहेगा, छः एक्स का जब अंदर गुणा करेंगे तो छः एक्स का जब अंदर गुणा करेंगे दोस्तों, छः एक्स में एक्स होगा तो एक्स घाते कितना हो जाएगा, दो। अब छः एक्स का जब दो में करेंगे छः दूनी कितना हो जाएगा, बारह, और बगल में एक्स है तो एक्स रहने देंगे, ठीक है। बराबर दो एक्स घाते तीन है तो दो एक्स घाते तीन लिख दीजिए, माइनस कितना है दोस्तों, दो एक्स, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, दो एक्स। अब एक्स घाते तीन यहाँ भी है, एक्स घाते तीन यहाँ भी है, तो इसको इस तरह पंचांतर कर लेंगे, तो एक्स घाते तीन तो ये ऐसे रहेगा ही, लेकिन जब ये दो एक्स घाते तीन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दो एक्स घाते कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब फिर उससे बड़ा कौन घात है, छः एक्स घाते दो, तो लिख देंगे छः एक्स घाते दो, और इधर तो छः एक्स घाते दो है नहीं, फिर कितना होता है प्लस बारह एक्स, तो बारह एक्स को लिख दीजिए, माइनस दो एक्स इधर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस दो एक्स, और बचा कितना था आठ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस आठ, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो शून्य हो जाएगा। अब इसी को जोड़ घटा लीजिए, जब घटाएंगे माइनस दो एक्स घाते तीन में से एक्स घाते तीन घट जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो जब इधर घटेगा तो बचेगा माइनस एक्स घाते तीन, ठीक है। और छः एक्स घाते दो है तो इसको भी लिख दीजिए छः एक्स घाते दो, अब बारह एक्स और दो एक्स जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लस में है तो बारह दो कितना हो जाएगा, चौदह एक्स, समझ आया दोस्तों। और प्लस कितना है आठ, और बराबर में जीरो है तो आप बराबर में क्या लिख देंगे दोस्तों, जीरो। ये तो आपका हल हो गया, लेकिन आपको क्या बताना दोस्तों, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे बड़ा घात अगर दो दिख जाएगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा घात एक्स पे कितना दिख रहा है दोस्तों, तीन दिख रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों कितना दिख रहा है, तीन, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख दीजिए दोस्तों, यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिखिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण नहीं है, समझा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सात में बोला है आपका एक्स घाते तीन माइनस चार एक्स घाते दो, फिर कितना दिया दोस्तों, माइनस एक्स, और प्लस कितना दिया है, एक, फिर दोस्तों बराबर में दिया है एक्स माइनस दो पूरे के घाते कितना दिया है, तीन, तो पूरे के घाते आपको क्या करना है दोस्तों, तीन लगा देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। अब पूरे के घाते तीन दिया दोस्तों, तो ध्यान दीजिए जो पूरे के घाते तीन दिया है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला बनना है, इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। आपको हम बता दें a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, फिर कोष्टक में a माइनस बी, यही आपका क्या होगा दोस्तों, फार्मूला होगा। इसी फार्मूले पे आपको इस तरफ को रख देना है, तो इधर तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्या रहेगा एक्स घाते तीन और माइनस चार एक्स घाते दो,
फिर कितना दोस्तों, माइनस एक्स है, माइनस एक लिखिए, प्लस एक है तो प्लस एक लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, बराबर में ध्यान दीजिए, ये कितना एक्स माइनस दो के घाते तीन। यहाँ देखें ए था तो हम ए का क्यूब लिखे थे, यहाँ एक्स है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स का क्यूब। ठीक है, यहाँ दो था तो दो का क्यूब, यहाँ बी था तो बी का क्यूब हुआ था दोस्तों। अब लेकिन दो है तो किसका लिखेंगे, दो का क्यूब, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी दो का क्या हो जाएगा, क्यूब। फिर माइनस कितना हो जाएगा, तीन ए, ए का मान दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ ए था तो ए लिखा गया था, लेकिन यहाँ एक्स है तो क्या लिखा जाएगा, एक्स। इंटू बी था तो बी लिखा गया था, यहाँ दो है तो क्या लिख देंगे, दो। फिर कोष्टक में ए माइनस बी था तो ए माइनस बी लिखे थे, वहाँ एक्स माइनस दो है तो क्या लिख देंगे, एक्स माइनस दो। इतना समझ आया दोस्तों। चलिए इधर वाले कोष्टक को हम तोड़ लेते हैं, पहले इधर को ऐसे लिख लीजिए, एक्स घाते तीन तो ऐसे ही रहेगा, माइनस चार एक्स घाते दो ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स और प्लस कितना रहेगा दोस्तों, एक, बराबर ये एक्स घाते तीन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दो का क्यूब करेंगे कितना है दोस्तों, आठ, दो दूनी चार दूनी आठ, माइनस तीन दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, छः, और बगल में एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। फिर बचा कितना, एक्स माइनस दो, तो एक्स माइनस आप दो लिख दीजिए। ठीक है, अब इधर को आपको क्या करना है, कोष्टक को तोड़ देना इधर भी। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स घाते तीन इस तरफ भी दिख रहा है, एक्स घाते तीन इस तरफ भी दिख रहा है, तो एक्स घाते तीन से एक्स घाते तीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए। बचा कितना दोस्तों, माइनस चार एक्स घाते दो और माइनस एक्स और प्लस कितना, एक, बराबर में इधर क्या बचा है दोस्तों, माइनस आठ, तो माइनस आठ को लिख लीजिए और इसको अंदर गुणा कर दीजिए। माइनस छः का जब एक्स में करेंगे तो माइनस छः एक्स घाते कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, छः दूनी कितना हो जाएगा, बारह एक्स। समझ आया, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये माइनस चार एक्स घाते दो है तो माइनस चार एक्स घाते दो लिख लीजिए, जब माइनस छः एक्स घाते दो आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस छः एक्स घाते दो। समझ आया, ये माइनस एक्स है इधर, माइनस एक्स ऐसे रहेगा, ये बारह एक्स इधर किस में, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस कितना हो गया, बारह एक्स, और इधर प्लस में एक है तो प्लस में एक लिखिए, माइनस उधर किस में, माइनस आठ है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस आठ, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आठ था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आठ। अब माइनस चार एक्स घाते दो में से छः एक्स घाते दो को हटाएंगे, छः में से चार घटे कितना बचेगा दोस्तों, दो बचेगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, दो एक्स घाते दो, अब फिर बारह एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तेरह एक्स, और आठ एक कितना हो गया, नौ। ठीक, बराबर में कितना बचा दोस्तों, जीरो। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, हल हो गया। लेकिन आपको यह बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, यदि चर संख्या यानी या चर पद क्या है, एक्स, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है दोस्तों, दो, तो यानी सब ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, यानी सबसे बड़ा घात दो रहेगा तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आठ दिया दोस्तों, कोष्ठक में दिया दो एक्स माइनस एक, फिर अगले कोष्ठक में दिया दोस्तों एक्स माइनस तीन। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए, फिर कोष्ठक में क्या दिया दोस्तों, एक्स प्लस पाँच। ठीक, फिर अगले ब्रैकेट में दिया दोस्तों एक्स माइनस एक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, आपको द्विघात समीकरण बताना है या नहीं, तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, कोष्ठक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा करेंगे, दो एक्स को लेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे, तो दो एक्स का हम पहले एक्स में गुणा करेंगे, तो एक्स दो एक्स घाते कितना हो जाएगा दोस्तों, घाते दो होगा, एक्स में एक्स गुणा होगा तो एक्स घाते कितना हो जाएगा, दो। अब दो एक्स का जब तीन में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन दूनी छः एक्स हो जाएगा, तीन दूनी छः, और एक्स बगल में एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस एक का इन दोनों में गुणा करेंगे, माइनस एक का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। अब क्या होगा दोस्तों, ये एक का तीन में गुणा करेंगे, तीन एक का कितना निकलेगा, तीन। इतना समझ आया, अब ध्यान दीजिए एक्स का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स घाते दो। अब एक्स का जब माइनस एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब पाँच का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस पाँच एक्स, और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पाँच, एक का कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे पाँच हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, अब ध्यान दीजिए यहाँ दो एक्स घाते कितना है, दो,
और यहाँ पर क्या है x घाते दो, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, दो एक्स घाते दो को ऐसे रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब x घाते दो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स घाते दो हो जाएगा, ठीक है। अब छः एक्स और ये x दोनों माइनस माइनस में, तो जुड़ के कितना हो जाएंगे, सात एक्स, इतना समझ आया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्लस तीन है तो प्लस तीन को भी रहने दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों क्या है, पाँच एक्स, तो पाँच एक्स ये प्लस में है या ये माइनस में है, तो पाँच एक्स में से एक घटेगा बचेगा चार एक्स, चार एक्स इधर प्लस में रहेगा, इधर जब आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में, यानी माइनस चार एक्स। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर क्या बचा है, प्लस तीन, उधर बचा है माइनस पाँच, तो प्लस तीन इधर वाला ऐसे रहेगा, उधर से जब माइनस पाँच आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस पाँच, और बराबर में क्या बचेगा, जीरो। इतना समझ में आया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, सबसे पहले आपको घटा देना है, तो दो एक्स घाते दो में से एक्स घाते दो घटेगा तो बचेगा कितना, एक्स घाते दो, ही दो में से एक घटेगा तो एक बचेगा, एक लिखा नहीं जाता एक्स के पहले, चार संख्या के पहले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सात एक्स है और चार, सात चार कितना हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ता है, सात चार ग्यारह एक्स हो जाएगा, और देखिए पाँच और तीन प्लस में है दोनों, तो पाँच तीन कितना हो जाएगा, आठ, ठीक है, और बराबर में कितना दोस्तों, जीरो, तो बराबर हम क्या लिख देंगे, जीरो। ये तो इसका हल हो गया दोस्तों, लेकिन आपको अब ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो सब यक्स के ऊपर सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है दोस्तों, दो, यानी ये द्विघात समीकरण है, तो यहां लिख दीजिए दोस्तों द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है, समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ में दिया है एक्स घाते दो प्लस तीन एक्स प्लस एक बराबर एक्स माइनस दो पूरे के घाते कितना दिया दोस्तों, दो, ठीक है। आपको इसको हल करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, आपको इसको ऐसे लिख देना है एक्स घाते दो प्लस तीन एक्स और प्लस कितना, एक, ठीक, बराबर में। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, यानी जब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब यहाँ a था तो ए स्क्वायर लिखे थे, लेकिन जब यहाँ x है तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस टू ए, ए का यहाँ a था तो a लिखे थे, लेकिन यहाँ x है तो क्या लिख देंगे, x इंटू बी था तो b लिखे थे, लेकिन यहाँ b की जगह दो है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, दो। फिर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब यहाँ दो है तो दो का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे प्लस लगा के, ठीक है। इतना समझाया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, एक्स घाते दो ऐसे रहेगा प्लस तीन एक्स भी ऐसे रहेगा प्लस एक भी ऐसे रहेगा, इधर एक्स घाते दो है इसको ऐसे रहने दीजिए। अब दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, तो माइनस चार एक्स लिखिए और दो का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, चार। इतना समझाया। अब देखिए एक्स घाते दो इधर भी, एक्स घाते दो इधर, तो एक्स घाते दो से एक्स घाते दो क्या हो जाएगा, इधर कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ तीन एक्स और इधर चार है, तो इधर तीन एक्स ऐसे रहेगा, माइनस चार एक्स उधर से इधर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस चार एक्स, और इधर प्लस एक है तो प्लस एक ऐसे रहेगा, इधर प्लस चार है तो प्लस चार जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस चार, बराबर में क्या हो गया, जीरो। अब इसको जोड़ेंगे, चार एक्स और तीन एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, चार तीन सात एक्स। अब एक है यहाँ माइनस चार, तो चार में से एक घटे बचे कितना दोस्तों, माइनस तीन, बराबर जीरो। ये तो इसका हल हो गया दोस्तों, लेकिन आपको क्या बताना है इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस x के ऊपर सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, एक, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, दो, तो यहां पर लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में अलग रूल बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल कर लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांकों को कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन पूर्णांकों को आप क्या करिए, मान लीजिए। तो माना क्या दोस्तों, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक हम x और x प्लस क्या मान लेते हैं दोस्तों, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले क्या, हल। हल लिखने के बाद आपको लिखना है माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः क्या ले लेते हैं दोस्तों, क्रमशः एक x ले लेते हैं, दूसरा क्या x प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, x और x प्लस 1 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम x प्लस 1 क्यों लिए हैं, कितने लोगों का क्वेश्चन होगा कि x प्लस 1 क्यों लिए। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या रहता है उसमें हम कितना जोड़ते हैं क्रमागत संख्या लेने के लिए, 1। ऐसे हम क्रमागत संख्या मान लीजिए हम एक ले लें, तो एक के बाद हमारा 2 आएगा, लेकिन 2 कैसे आएगा, जब हम एक में एक जोड़ेंगे तो एक तभी ना 2 आएगा। अगर 2 के बाद कौन संख्या आएगी, 3, लेकिन इसमें एक जोड़ेंगे तभी ना 3 आएगा। यानी क्रमागत लाने के लिए मतलब हम उसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो पहली संख्या होती है उसमें हम एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः क्या हो जाएंगे, एक्स, और इसमें एक जोड़ देंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या बोला है, दोनों का धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 बोला है। दोनों का धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है दोस्तों, 306। तो यहां पर लिखिए दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना निकलेगा दोस्तों, बराबर में 306, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल कितना निकल गया, बराबर में 306 निकल गया। अब हमें इसी पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो इनका गुणनफल बोला दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दोनों धनात्मक हम क्या माने, एक को एक्स माने हैं तो एक्स लिख लीजिए, और दूसरे गुणनफल बोला है तो दूसरा क्या बोला है दोस्तों, एक्स प्लस 1 माने तो एक्स प्लस 1 लिख लें। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306, तो 300 हम क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। अब इसका गुणा करिए, x में जब x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x घाते 2, x का 1 में करेंगे तो x का कितना आ गया, x, और बराबर में कितना, 306, समझ आया। अब x घाते 2 को ऐसे रहने दीजिए, अब प्लस x ऐसे रहने दीजिए, 306 उधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 306, बराबर में कितना दोस्तों, 0। अब देखिए द्विघात समीकरण है, आपको द्विघात समीकरण बोला था, तो इसमें यहाँ पे बन गया द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। आप लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब ये दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, अब इसी को लेकर क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो लिखिए दोस्तों क्या है, x घाते 2 फिर प्लस x और माइनस कितना है, 306 बराबर 0। आपको द्विघात समीकरण दोस्तों हम पहले ही बता दिए कि द्विघात समीकरण कैसे करते हैं। अब आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर कितना है दोस्तों, 306 है, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो दोस्तों एक हम डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। एक्स घाते 2 हम यहाँ पर बना देते हैं 18 17, हमें 306 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 18x - 17x। अब 18 में से x में से 17x घटेगा तो 1x बचेगा, और 18 7 कितना, 18 17 हमें कितना हो जाएगा, 306। तो यहाँ 300 आप क्या कर दीजिए, 6 बराबर में क्या लिख देंगे दोस्तों, 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 2 का क्या बना लेना है, जोड़ा बना लेना है। जब जोड़ा बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब 1x कॉमन हो जाएगा, छोटा हमेशा कॉमन होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, x घाते 2 और x में से x कॉमन होगा। अब x से x काटेंगे तो 1x बचेगा, x घाते 2 काटेंगे तो, और x से x कट गया बचा कितना, 18, तो यहाँ 18 क्या लिख देंगे, कोष्टक में, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए 17 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जब 17 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 17 से जब काटेंगे 17 1 का 17, अब कितना बचा दोस्तों यहाँ पे, 23 13 बचा, ठीक है, 136 हो गया,
तो 17 में 8 कितना हो जाएगा 136, तो यहाँ कितना बार आ जाएगा 8 बराबर में दोस्तों 0। तो एक्स प्लस 8 मिल रहा है, तो इसको आप क्या करिए एक कोष्ठक में लिख लीजिए। तो एक्स प्लस 18, सॉरी ये दोस्तों यहाँ 18 है, तो एक्स प्लस 18 लिख लेंगे, और ये एक्स माइनस कितना 17, तो एक्स माइनस एक कोष्ठक में क्या लिख देंगे 17। बराबर के दोनों में 0 है, तो दोनों के बराबर आप 0 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग मान निकाल लेंगे एक्स का। तो एक्स प्लस 18 बराबर जब 0 मानेंगे, अलग अलग निकालेंगे, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा माइनस 18। इधर प्लस में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी एक्स का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा माइनस 18। और जब हम दूसरों को लेकर निकालेंगे तो एक्स माइनस 17 है, इसके बराबर 0 मानेंगे, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा माइनस है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा दोस्तों प्लस में। तो एक्स बराबर कितना निकल गया दोस्तों 17 निकल गया। ठीक है, हमें माइनस वाले को नहीं लेना होता, हम किसको लेंगे दोस्तों प्लस वाले को। तो यहाँ एक्स बराबर कितना निकला है 17, तो जब एक्स बराबर 17 निकल गया है तो हमें प्लस वाला ही लेना था। तो हमारा जो धनात्मक पूर्णांक निकलेगा, हम दो माना, दो धनात्मक पूर्णांक क्या माने दोस्तों, पहला माने थे x और दूसरा माने थे x प्लस 1। तो x का मान निकल गया हमारा कितना 17, और यहाँ x का मान रखेंगे 17 प्लस 1। ठीक, तो इसको जोड़ देंगे तो 17 ये ऐसे रहेगा, इसको जोड़ेंगे 17 कितना हो जाएगा 18। तो 17 कामा 18, यही आपका दो क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझा दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसमें क्या बोला है दोस्तों रेलगाड़ी की चाल, तो जो बोला है उसी को आप क्या करिए मान लीजिए। सबसे पहले लिखिए दोस्तों हल, और जो पूछा जाए इस तरीके के क्वेश्चनों में उसको मान लिया करिए। तो यहां लिखिए माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, चाल क्या होता है दोस्तों किलोमीटर में होता है, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए कितना है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन अब वो कितनी दूरी तय कर रहा है, बोला है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना कर रहा है दोस्तों 480 दूरी तय करता है किलोमीटर, जो रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। तो यहां लिखिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो आपको बताएं दोस्तों समय बराबर एक फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला होता है आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए दोस्तों, समय निकल जाएगा 480 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर, और चाल कितना निकल जाएगा, हम चाल क्या माने रेलगाड़ी की x, तो यहां से क्या निकल जाएगा दोस्तों 480 बटा x। ठीक है, समय बराबर निकल जाएगा दूरी बटा चाल, यानी दूरी है 480 किलोमीटर और चाल कितने चाल से आ रहा है x किलोमीटर, तो समय का मात्र क्या होता है दोस्तों घंटा, यानी घंटे, इतने घंटे लगेंगे 480 बटे x घंटे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रश्नानुसार आगे जो बोला है उसको हल कर लेना है। चलिए यहां लिखिए दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती, कितना दोस्तों 8 किलोमीटर घंटा कम होती, तो रेलगाड़ी की चाल यहां निकालिए दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल फिर से निकालिए कितना कम होती 8 किलोमीटर घंटा, तो पहले कितना x है तो x लिखिए, लेकिन कितना कम होती 8, 8 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये कम होता। अब रेलगाड़ी की चाल हो गई, होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, दूरी जो वही तय, अब यहाँ देखिए दोस्तों
अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिए यहाँ लिखिए फिर से एक बार, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो पहले क्या था, अब 480 किलोमीटर दूरी हो गया, ऊपर दूरी होती है बटे कितना होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल कितना हो जा रहा है रेलगाड़ी की चाल दोस्तों, जब 8 किलोमीटर कम समय लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 8 घंटे, ठीक है, एक निकल जाएगा यहाँ से नया समय। अब आपसे बोला है कि दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 3 घंटे, यानी दोनों को तय करने में दूरी 3 घंटे अधिक लेता है, जब पहले जितना हम तय कर रहा था उससे दूसरा जो यहाँ पे तय कर रहा है 8 किलोमीटर जब प्रति घंटा कम हो जा रहा है, तो इन दोनों के पहले और दूसरे वाले चाल में 3 किलोमीटर कितना 3 घंटे अधिक लेता है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों दोनों माने अंतर कितना निकल रहा है 3 घंटे का, यानी जब पहले कितना 480 किलोमीटर की दूरी जब कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम चल रही है इसकी चाल, तब इस घट के कितना हो जाएगा दोस्तों 480 बटे पहला कितना था एक्स, तब कितना घंटे अधिक ले रहा है 3 घंटे, यानी 3 घंटे अधिक ले रहा है, तो बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब क्या करेंगे हम इसका गुणा कर लेंगे, तो सबसे पहले गुणा करने के लिए हम एक्स का इसमें 480 में करेंगे, तो 400 कितना हो जाएगा 80x, ठीक है, अब इधर से भी करेंगे एक्स का जब 480 में करेंगे तो माइनस से माइनस लिखेंगे 480 क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 0 में 0, 8 2 64 8 लगा 6, 8 4 32, 6 कितना हो जाएगा 38, यानी 38 40 आ जाएगा, ठीक है, अब नीचे नीचे का भी तो गुणा होगा, तो नीचे नीचे गुणा करेंगे एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स घाते कितना हो जाएगा 2, एक्स का 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x, और बराबर में 3 है तो बराबर में 3 को ऐसे लिख दीजिए, इतना समझ में आया दोस्तों, यहाँ देखिए कट जाएगा 48x प्लस में माइनस या 480x प्लस में और 480x माइनस में ये कट गया, ऊपर कितना बचा दोस्तों 38 40 बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 का एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर में करेंगे 3x घाते 2 हो जाएगा, और 3 का जब 8 में करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24x, ठीक है, अब इसको उस तरह पंचांतर कर देंगे तो बचेगा कितना 3x घाते 2 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 24x, ये प्लस में इधर आया किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी 38 40 और बराबर में क्या बचेगा दोस्तों 0, समझ आया। अब ये क्या हो गया यहाँ पे द्विघात समीकरण, पहले इसमें से आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है, 3 कॉमन दिख रहा है, जब 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x घाते 2 माइनस 3 8 24 8 आ जाएगा, बगल में x है तो x लिख लेंगे, अब फिर 3 से काट देंगे 3 1 का 3, 3 2 6 और 3 8 24, बगल में 0 0 लिख देंगे, बराबर में 0, अब 3 को 0 के साथ भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो प्राप्त होगा क्या x घाते 2 माइनस 8x और माइनस 12 80 प्राप्त हुआ, ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है, अतः द्विघात समीकरण है। अब इसी समीकरण को क्या करना है, हल करके एक्स का मान निकाल लेना, यानी रेलगाड़ी की चाल मिल जाएगी, ठीक है, तो चलिए इसी द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं, तो द्विघात समीकरण आपका क्या है x घाते 2 फिर माइनस 8x और माइनस कितना है 12 80, ठीक है, बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर कितना जाए 1280 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने की जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाए, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे पढ़ें पहाड़ा 40 40 का, अगर हम पहाड़ा पढ़ें 40 का 32 बार तो आ जाएगा कितना 32 चौका 128 40, हाँ दोस्तों अगर हम यहाँ पे 40 का 32 बार पढ़ेंगे तो 40 में से 32 घटेगा तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए दोस्तों x घाते 2 माइनस 40x प्लस 32x और माइनस कितना हो जाएगा 12 80 बराबर 0। अब देखिए 40 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 4 3 2 8 और 4 3 12 1 0 1 0 1280 आ जाएगा दोस्तों,
ठीक है। अब दो दो का यहाँ से जोड़ा बना के आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। इसमें देखिए x मिल रहा है, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, x x कटेगा बचेगा माइनस 40, ठीक है। प्लस यहाँ से 32 कॉमन दिख रहा है तो 32 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा x। जब माइनस 32 इसमें भाग करेंगे तो 32 चौका कितना होता है 128, बगल में 0 है तो 0 लिख लेंगे, बराबर 0 बचा। अब एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 40 मिल रहा है तो इसको एक कोष्ठक कर देंगे, यानी एक्स माइनस क्या लिख देंगे 40, अगले कोष्ठक बचेगा एक्स प्लस 32, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस 32 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकलेगा कैसे, एक्स माइनस 40 बराबर मान लेंगे 0, तो जब एक्स बराबर निकालेंगे माइनस से इधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स प्लस कितना है 32 बराबर 0, तो एक्स बराबर निकालेंगे 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या था ये प्लस, इधर माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में इधर गया क्या हो गया माइनस में। तो हमें माइनस वाले मान को नहीं लेना होता, ठीक है। हमेशा एक्स का मान क्या लेना चाहिए प्लस वाला, जो प्लस में निकलेगा हमेशा जब द्विघात समीकरण बनेगा तो एक्स का मान 2 निकलेगा, तो इसमें से हमें माइनस वाले को ना लेकर प्लस वाले को लेना है, ठीक है। तो प्लस वाला, और दोनों प्लस में निकलेगा तो आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल पूछा था, रेलगाड़ी की चाल हमने एक्स माना था, तो यहाँ एक्स का मान कितना निकला 40, तो यहाँ लिख दीजिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल एक्स माना था दोस्तों, एक्स बराबर कितना निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, समझ आए दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो दोस्तों पूछा जाए सबसे पहले आप उसी को क्या किया करिए, मान लिया करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, हल लिखने के बाद जो जो पूछा है उसको आप क्या करिए मान लीजिए। तो भूखंड आयताकार जो भूखंड है उसकी क्या पूछा है चौड़ाई तो और लंबाई, तो माना पहले क्या दोस्तों यहाँ पे, माना भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई हमने मान लिया क्या x, मीटर में मान लेते हैं, ठीक है। मीटर में बोला है तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों मीटर, माना भूखंड, ये भू है दोस्तों, भूखंड की चौड़ाई x मीटर, ठीक है। और भूखंड की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पे, तो लिखिए दोस्तों भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई यहाँ से हम निकालेंगे तो भूखंड की लंबाई हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, बोला है भूखंड की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दो गुने से एक क्या है अधिक है, यानी जो इसकी चौड़ाई से क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहाँ बोला है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दो गुने से, यानी जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दो गुने, यानी दो गुणते क्या निकलेगा चौड़ाई, और प्लस क्या है एक अधिक है, तो हम इसमें एक क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे तो दो तो वैसे रहेगा लेकिन चौड़ाई हमने क्या माना था एक्स, तो दो एक्स निकलेगा और प्लस एक है तो यहाँ से एक निकल जाएगा, यानी जो अब यहाँ ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। लंबाई क्या निकला दो एक्स प्लस एक निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जब लंबाई निकल गया तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, भूखंड का क्षेत्रफल बोला है 528 वर्ग मीटर है, तो हम भूखंड का यहाँ से क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, लिखिए दोस्तों आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणते चौड़ाई फार्मूला होता है, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए दोस्तों आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है 528 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 528 बराबर, लंबाई हमने क्या निकाला दोस्तों दो एक्स प्लस एक, और चौड़ाई क्या निकाला दोस्तों एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, यानी 528 ऐसे रहेगा,
इसका एक्स का जब अंदर गुणा करेंगे, दो एक का एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, दो एक्स घाते दो, एक्स का एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको उस तरह पंचांतर कर देंगे तो दो एक्स घाते दो हो जाएगा और प्लस एक्स ऐसे रहेगा, ये इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, यानी 528 हो जाएगा माइनस में, और बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। इतना समझ है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे दो का गुणा करेंगे तो 528 है तो 1000 कितना हो जाएगा, 56। अब ऐसा पहाड़ा पड़िए 1056 आए, ध्यान देखिए दोस्त, ध्यान दीजिए दोस्तों, दो का जब इसमें गुणा करेंगे तो 528 का दो में गुणा होगा तो 1056 हो जाएगा। और अब ऐसा पहाड़ा पड़िए, पहाड़ा पढ़ने पर कितना है दोस्तों, 1056 आए, लेकिन जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना है दोस्तों, एक आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरीके का सिचुएशन जब भी बनेगा तो हम 33 का अगर 32 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना, 1000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, और 33 में से 32 घटाएंगे एक आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर देना दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 2x घाते 2, ठीक है, प्लस कितना लिखेंगे 33x, अब माइनस यहाँ लिख देंगे 32x, अब 33x में से 32x घटाएंगे एक आ जाएगा, अब माइनस 33 का 32 में जब गुणा करेंगे तो 1056 आ जाएगा, लेकिन 1056 यहाँ नहीं लिखना है, जो 528 है उसको 528 को लिखना है, बराबर में क्या कर देंगे दोस्तों, जीरो। आपको तो पता ही होगा द्विघात समीकरण कैसे हल किया था दोस्तों, इसमें इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, अब दो दो का जोड़ा बनाने के बाद यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एक्स मिल रहा है, एक्स को कॉमन कर लेंगे, जब एक्स कॉमन करेंगे तो एक एक्स बचेगा, एक्स लिख लेंगे, और यहाँ दो बचाए तो यहाँ दो भी लिख लेंगे, यानी दो एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स तो बाहर हो गया, बचा कितना 33, तो यहाँ लिख देंगे 33, माइनस यहाँ से 32 तो कॉमन होगा नहीं, तो 16 को कॉमन कर लेते हैं, जब 16 को कॉमन करेंगे तो 16 दूना 32, दो बचेगा, एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 16 से काटेंगे तो 16 तिया 48, फिर बचेगा कितना दोस्तों, 3 4, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, ये कट गया, बराबर में जीरो है जीरो। अब ये दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो इसको एक साथ लिख दीजिए, यानी 2x+33, एक क्या बचा x-16, ठीक है, और बराबर में जीरो। ठीक है, अब इन दोनों से दोनों को लेकर क्या करिए दोस्तों, आप x का मान निकाल लीजिए, यानी 2x+33 बराबर हम क्या मान लेंगे, जीरो। जब x बराबर निकालेंगे तो 2x बराबर निकलेगा, बराबर में -33 हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -33/2, ये 2/2 में चला जाएगा, यानी x का मान यहाँ से निकल जाएगा -33/2, इससे निकाल लीजिए x का मान, तो x-16 बराबर मानेंगे जीरो, जब -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकलेगा 16, यानी x का मान यहाँ से क्या निकल गया 16। तो हमें माइनस वाले को लेना नहीं है, जब भी लेना हमें प्लस वाले को लेना है, तो ये प्लस वाला कितना निकला दोस्तों 16, तो ये हम x को क्या माने थे, चौड़ाई माने थे, तो यहाँ लिख देंगे भूखंड की चौड़ाई, तो भूखंड की जो चौड़ाई निकलेगी क्या निकलेगी दोस्तों 16 मीटर। ठीक है, ये भू हमने यक्ष माना था चौड़ाई को, और भूखंड की हमने लंबाई माना था, तो यहाँ लिखिए दोस्तों भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई क्या निकलेगी, ध्यान दीजिए दोस्तों, लंबाई हमारा क्या निकला माने थे हम 2x+1 मीटर माने थे, अब ध्यान दीजिए 2 तो ऐसे रहेगा लेकिन यक्ष का मान कितना निकला है 16 और +1, इसको 16 दूना 32 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 33, यानी हमारा 33 मीटर निकल आएगा। ठीक है, चौड़ाई जो निकलेगा 16 मीटर, लंबाई निकलेगा 33 मीटर, यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आए दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, किसकी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो रोहन की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हम हल, और जिसका पूछा जाए उसी को हम मान लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों, तो माना रोहन की वर्तमान आयु क्या, एक्स, यहां लिखिए दोस्तों, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष।
ठीक है दोस्तों, रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, एक्स वर्ष। लेकिन अब रोहन की माँ की आयु क्या निकलेगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, कितनी बड़ी है दोस्तों, 26 वर्ष। तो यहां लिख लीजिए रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की वर्तमान आयु। तो रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 बड़ी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 वर्ष बड़ी है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, 26 जुड़ जाएगा, रोहन की माँ की आयु। यहाँ से रोहन के माँ की आयु का पता चल गया। अब बोल रहा है कि कितना दोस्तों, कितने वर्ष पास, 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष, 3। तो यहाँ लिखिए 3 वर्ष पश्चात। जब पश्चात की बात करें दोस्तों, तो उसके वर्तमान आयु में उतनी वर्ष, हम जितने वर्ष पश्चात बोलता है उतना हम क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। तो फिर रोहन की वर्त निकालिए आयु दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे रोहन की आयु। फिर से जब निकालेंगे तो रोहन की आयु क्या निकले, रोहन क्या पहले क्या थी, एक्स, लेकिन कितने वर्ष पश्चात, 3। तो इसमें 3 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। अब उसकी माँ की भी निकाल लेते हैं आयु, तो रोहन की माँ की आयु निकालिए दोस्तों 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ लिखिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो क्या निकलेगी दोस्तों, रोहन की माँ की आयु निकल जाएगी यहाँ से, 26 तो पहले से था, तो x प्लस 26 था, लेकिन 3 वर्ष पश्चात वाला 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ देंगे तो 26 3 कितना हो जाएगा, 29, यानी x प्लस कितना निकलेगा, 29 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये 26 और 3 जुड़ेगा, 29 हो जाएगा, यानी उसकी रोहन की माँ की आयु यहाँ से निकल गई। अब इसको हम प्रश्नानुसार क्या करते हैं दोस्तों, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल करेंगे, तो यानी x प्लस 3, और फिर ये क्या निकला दोस्तों, x प्लस 29। इन दोनों के गुणन का जो आयु है तीनना 360 हो जाएगी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 360। 360 कर दीजिए। अब चलिए इनको हम हल कर लेते हैं, इन्हीं से हम क्या कर रहे हैं, निकाल लेंगे मान x का। तो गुणा करेंगे x का x में, तो x घाते कितना हो जाएगा, 2। x का जब 29 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 29x। 3 का x में करेंगे कितना है दोस्तों, 3x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। और 3 का जब हम 29 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 27, हासिल लगा 2, 3 2 6 2 कितना, 8, 87 हो गया, और बराबर में कितना, 360। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स घाते 2, 29 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32x। समझ आया, अब ये इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो 360 इधर प्लस कितना है, 87 है, 87 लिख लीजिए, ये आएगा माइनस कितना हो जाएगा, 360, बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसको घटा दीजिए, यानी एक्स घाते 2 ऐसे रहेगा प्लस 32x ऐसे रहेगा। अब इसको घटा देंगे जब आप, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 10 में 7 दिया कितना बचा, 3, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगाइए, 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो 15 में से 8 गया कितना बचा दोस्तों, 7 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 3 था, 1 हासिल गया, 2 बचा, यानी 200 कितना बचा यहाँ पे, 73, बराबर में कितना दोस्तों, 0। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पर कितना आया दोस्तों, 73 आए, और जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना आया दोस्तों, 32 आए, तो 39 7 कितना होगा दोस्तों, 273 होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, एक्स घाते 2 प्लस 39x माइनस 7x और माइनस कितना, 273 बराबर 0। हम डायरेक्ट आपका पहाड़ा यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा दोस्तों, यहाँ पे एक x बचेगा, x से x कटेगा, एक x बचेगा, यहाँ x से x कटेगा, बचेगा कितना हो दोस्तों, 39। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 39 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 7 कॉमन करेंगे, तो जब 7 कॉमन करेंगे तो बचेगा x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 7 से काटेंगे, 7 3 21। ठीक है, 7 3 कितना होगा, 21, बचा 6 63 हो गया, और 7 9 63 बराबर में क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए x प्लस 39, x प्लस 39 दोनों मिल रहा है, तो एक कोष्ठक कर दीजिए, x प्लस 39 कर दीजिए, अगले कोष्ठक बचेगा x माइनस 7, x माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7 बराबर में 0। अब दोनों के बराबर हम अलग अलग क्या मान लेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे,
तो एक्स प्लस 39 बराबर मानेंगे शून्य। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस क्या इधर प्लस में इधर आए किस में आ जाएगा, माइनस में। माइनस वाले को हम नहीं लेते, प्लस वाले देखिए दोस्तों एक्स माइनस 7 बराबर मानेंगे जीरो, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा 7। हम इसी को प्लस वाले को क्या ले करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। अब हमसे प्रश्न पूछा था दोस्तों रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमने रोहन की वर्तमान आयु क्या मानी थी दोस्तों, शुरू में एक्स माना था, तो यहां लिखिए दोस्तों रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की जो वर्तमान आयु निकले कितनी निकलेगी दोस्तों 7 वर्ष, यही पूछा था। यही आप आंसर करना चाहे तो आंसर कर दीजिए, यानी रोहन की माँ का भी निकालना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, लिख दीजिए रोहन की माँ का आयु, ठीक है वर्तमान आयु यहाँ लिख सकते हैं वर्तमान आयु। तो जब उसका वर्तमान निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस 26 था तो एक्स का मान कितना निकला 7 और प्लस कितना 26, और 26 अब 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 33 वर्ष। इतना समझा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपने अच्छे से इसको समझा या नहीं समझा, ठीक है दोस्तों, ताकि हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। समझा दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।